हमारे वीडियो मसीहियों को बाइबल सिखाने के लिए और उन लोगों के लिए बनाए जाते हैं जो सच्चे परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं। किसी अन्य धर्म की आलोचना करना या उसके अनुयायियों का अपमान करना हमारा उद्देश्य बिल्कुल नहीं है, लेकिन कई क्षेत्रों में बाइबल की शिक्षाएं अन्य धर्मों के साथ मेल नहीं खाती। इसलिए अगर किसी को बाइबल की शिक्षाओं से ठेस पहुंचती हो तो कृपया हमारे वीडियो ना देखें। आज का शीर्षक है, क्या स्वर्गदूत आपके आसपास होते हैं? तो सबसे पहले मैं आपको एक जोक सुनाता हूं। एक बार एक आदमी सड़क पर जा रहा था तो थोड़ा चलने के बाद उसे अचानक एक आवाज आती है, रुक जा। तो वो एकदम रुक जाता है और देखता है कि सडनली उसके सामने एक बहुत बड़ी ईंट आके गिरती है उसके पैरों के पास। तो वो ऊपर ऐसे देखता है तो वहां कुछ इमारत का काम चल रहा होता है, कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क। तो कहता, बच गया मैं, नहीं तो मेरे सिर पे गिरता। फिर वो थोड़ा सा और आगे चलता है तो फिर से आवाज आती है, रुक जा। वो एकदम रुक जाता है, देखता है कि ठीक उसके सामने एक औरत बाल्टी से पानी फेंक देती है बहुत सारा। तो कहता, बच गया गीला होने से। फिर थोड़ा सा और वो फिर आगे जाता है तो अचानक उसको वही आवाज आती है, रुक जा। तो एकदम रुक जाता है और देखता है कि एक कार बहुत तेजी से उसके सामने से गुजर जाती है, जुक। तो कहता, मेरा एक्सीडेंट होते होते बच गया। तो वो बड़ा हैरान होता है कि हर बार ये आवाज आती कहां से मुझे बचाने के लिए। तो पूछता है कि आप कौन हैं जो मेरी रक्षा कर रहे हैं? तो उसको आवाज आती है, मैं एक भेजा हुआ स्वर्गदूत हूं जो तुम्हारी रक्षा के लिए भेजा गया हूं। तो कहता है, अरे आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे 3 बार मेरी जान बचा ली, लेकिन एक बात बताइए, जब मैं शादी कर रहा था तब आप कहां थे? तो यह सिर्फ एक जोक था। वास्तव में जो मसीही पत्नियां होती हैं वो अपने पति के लिए और अपने परिवार के लिए बहुत बड़ी आशीष होती हैं, तो इसको गंभीरता से ना लें। स्वर्गदूतों का विषय आते ही हम सब बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं, क्योंकि स्वर्गदूत अलौकिक होते हैं, दे आर सुपरनैचुरल पावरफुल। स्वर्गदूत अदृश्य होते हैं, इनविजिबल, और कहीं भी तेजी से उड़ते हुए आ जा सकते हैं। बाइबल से कहती है कि पलक झपकते ही वे स्वर्ग से उतरकर अंतरिक्ष को पार कर वायुमंडल को पार कर सीधा पृथ्वी पर आ जाते हैं, दीवार को पार करके किसी के भी घर में प्रकट हो जाते हैं। तो हमें लगता है काश हमारे में भी स्वर्गदूतों वाली शक्तियां आ जाएं। लेकिन यहां मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि स्वर्गदूत और परी में अंतर होता है। स्वर्गदूत मतलब एंजल्स और परी मतलब फेरी। परियां काल्पनिक होती हैं। आपने बचपन में बहुत सी कहानी में पढ़ा होगा परियों के बारे में, द फेरी टेल्स। अब कुछ लोग जो विज्ञान के आधार पर कहेंगे कि परियों की तरह स्वर्गदूत भी कुछ नहीं होते, ये सब किससे कहानियों की बातें हैं। लेकिन सोचने की बात यह है कि विश्व के कई बड़े धर्म ये मानते हैं कि स्वर्गदूत अर्थात एंजल्स या फरिश्ते होते हैं। बाइबल ही एक ऐसी किताब है जो स्वर्गदूतों के विषय में बहुत विस्तार से और स्पष्ट रूप से समझाती है। तो क्या कहती है बाइबल? बाइबल 66 किताबों का संग्रह है और उनमें से 34 किताबें स्वर्गदूतों के बारे में लिखती हैं, जो उत्पत्ति से शुरू होकर प्रकाशित वाक्य तक पाए जाते हैं। इसके अलावा प्रभु यीशु ने स्वयं कई बार स्वर्गदूतों का जिक्र किया, जिससे साबित हो जाता है कि स्वर्गदूत वास्तव में हैं। जैसे मत्ती 26:53 में यीशु ने कहा, क्या तू नहीं समझता कि मैं अपने पिता से विनती कर सकता हूं और वह स्वर्गदूतों की 12 पलटन से अधिक मेरे पास अभी उपस्थित कर देगा। मत्ती 22:30 में यीशु ने कहा कि पुनरुत्थान के बाद हम स्वर्गदूतों के जैसे होंगे। पहले कुरिन्थियों का 6:3 कहता है कि एक दिन मनुष्य स्वर्गदूतों का न्याय करेगा। मतलब मनुष्य जो अभी स्वर्गदूतों से नीचे है वो आदर और महिमा के साथ स्वर्गदूतों के ऊपर बिठाया जाएगा। यह है परमेश्वर की योजना मनुष्य के लिए। इसीलिए यह जानना जरूरी है कि स्वर्गदूत कौन हैं, उनकी बनावट क्या है, उन्हें क्यों रचा गया है, उनके कार्य क्या क्या हैं, क्या आज भी वे पृथ्वी पर कार्य करते हैं, क्या वे किसी को दिखाई देते हैं इत्यादि। तो पहला सवाल, स्वर्गदूत कैसे होते हैं? व्हाट आर एंजल्स लाइक? स्वर्गदूत का जो अंग्रेजी शब्द है एंजल, जो यूनानी शब्द एंजलोस से निकला है, उसका मूल अर्थ है मैसेंजर अर्थात संदेशवाहक। स्वर्गदूत अनंतकालीन जीव हैं जो परमेश्वर की आज्ञा पर सृजे गए। लेकिन स्वर्गदूत परमेश्वर की समानता और स्वरूप में नहीं सृजे गए हैं जैसे मनुष्य सृजा गया है। स्वर्गदूतों की संख्या अनगिनत है।
और उन्हें परमेश्वर की आराधना और सेवकाई के लिए सृजा गया है। सभी स्वर्गदूत बनाए तो पवित्र ही गए थे, लेकिन उनकी अवस्था कुछ ऐसी थी कि उनकी पवित्रता की परीक्षा नहीं हुई थी। शैतान, जो पहले एक स्वर्गदूत था, उसने जब स्वर्गदूतों को बहकाया तो सभी स्वर्गदूतों को मौका दिया गया कि वे या तो परमेश्वर की आराधना करें या फिर शैतान की। तो एक तिहाई स्वर्गदूतों ने शैतान को चुना। इसके आधार पर सभी स्वर्गदूतों का भविष्य सील कर दिया गया। शैतान और उसके स्वर्गदूत समय के अंत में नरक में डाले जाएंगे और बाकी स्वर्गदूत सदा के लिए परमेश्वर के साथ रहेंगे। और संभवतः स्वर्गदूतों की प्रकृति को भी सील कर दिया गया ताकि परमेश्वर के स्वर्गदूत कभी पाप न करें, क्योंकि यीशु ने स्वर्गदूतों के उद्धार के लिए बलिदान नहीं दिया था। दूसरे शब्दों में, उन अच्छे स्वर्गदूतों को परमेश्वर ने अपनी सेवकाई के लिए चुन लिया सदा के लिए, जैसा पहला तिमोथियुस 5:21 में लिखा है। परमेश्वर और मसीह यीशु और चुने हुए स्वर्गदूतों को उपस्थित जानकर मैं तुझे चेतावनी देता हूं, मतलब चुने हुए स्वर्गदूत परमेश्वर द्वारा, कि तू मन खोलकर इन बातों को माना कर और कोई काम पक्षपात से ना कर। यह ठीक वैसे ही है जैसे अनंत काल में विश्वासियों की प्रकृति को भी मुहर बंद कर दिया जाएगा ताकि वे फिर कभी पाप ना करें, सील कर दिया जाएगा, जैसा पहला योहन्ना 3:2 में लिखा है कि हम यीशु जैसे बन जाएंगे। परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को सृष्टि करने से पहले बनाया, जैसा अय्यूब 38:4-7 में लिखा है, जिनमें उन्हें भोर के तारे और परमेश्वर के पुत्र कहा गया है। जब परमेश्वर सृष्टि कर रहा था तो स्वर्गदूत आनंदित होकर गा रहे थे और परमेश्वर की जय जयकार कर रहे थे। बाइबल की घटनाओं के आधार पर उत्पत्ति 3 में जहां आदम और हवा ने पाप किया, उससे पहले एक तिहाई विद्रोही स्वर्गदूतों को शैतान समेत स्वर्ग से निकाल दिया गया था। हालांकि बाइबल यह भी सिखाती है कि उनको एक्सेस दिया हुआ था, यानी कि परमेश्वर जब भी उन्हें बुलाता था तो शैतान को जाना पड़ता था स्वर्ग में। इसीलिए बाइबल उन्हें अब दुष्ट आत्माएं कहती है। जितने भी गिराए गए स्वर्ग से स्वर्गदूत, वो दुष्ट आत्माएं हैं, और तब से आज तक वे दुष्ट आत्माएं मनुष्य को नरक ले जाने की कोशिश में लगी हुई हैं। इसके अलावा वे दुष्ट आत्माएं मनुष्यों के शरीर में घुसकर उन्हें बहुत यातना देती हैं। स्वर्गदूत आत्मिक जीव हैं, लेकिन वे परमेश्वर के समान नहीं है। स्वर्गदूत सर्वव्यापी नहीं होते, दे आर नॉट ओमनीप्रेजेंट। वे एक समय में एक ही जगह हो सकते हैं। स्वर्गदूतों की एक प्रकार की आत्मिक देह होती है जिसकी कुछ सीमाएं हैं, देर आर सम लिमिटेशंस, लेकिन फिर भी वे मनुष्यों से श्रेष्ठ होते हैं। स्वर्गदूत व्यक्तिगत जीव होते हैं, दे आर पर्सनल बींग्स। उनमें एक व्यक्तित्व होता है, एक शख्सियत होती है, पर्सनैलिटी, जैसे मनुष्यों में होती है। स्वर्गदूतों की बुद्धि बहुत तीव्र और शक्ति अपार होती है। प्रकाशित वाक्य 7:1 कहता है, इसके बाद मैंने पृथ्वी के चारों कोनों पर 4 स्वर्गदूत खड़े देखे। वे पृथ्वी की चारों हवाओं को थामे हुए थे ताकि पृथ्वी या समुद्र या किसी पेड़ पर हवा न चले। अपार शक्ति। स्वर्गदूतों की अपनी भावनाएं और अपनी इच्छा भी होती है। बाइबल सिखाती है कि दुष्ट स्वर्गदूतों ने अपनी इच्छा से शैतान के साथ मिलकर परमेश्वर से विद्रोह किया था। स्वर्गदूतों में शादी ब्याह नहीं होता। मरकुस 12:25 में यीशु ने कहा, क्योंकि जब मनुष्य मरे हुओं में से जी उठेंगे तो उनमें ब्याह शादी ना होगी, पर वे स्वर्ग में दूतों के नाई होंगे। मनुष्यों की मृत्यु होती है, लेकिन स्वर्गदूत कभी नहीं मरते। बाइबल में स्वर्गदूतों को पुलिंग बताया गया है, मैस्कुलिन जेंडर। बाइबल में स्वर्गदूत कभी कभी मनुष्य के रूप में प्रकट होते थे, जैसे उत्पत्ति 18 में इब्राहिम के पास 3 पुरुष आए थे, उनमें से एक यहोवा था और बाकी दोनों स्वर्गदूत थे। हालांकि वे मनुष्यों की तरह खा पी तो सकते थे, लेकिन ऐसा कोई संकेत नहीं है कि उनके अंदर मनुष्यों जैसा ही लहू और मांस भी था। इब्रानियों का 13:2 कहता है, पहुनाई अर्थात मेहमान नवाजी करना ना भूलना, क्योंकि इसके द्वारा कितनों ने अनजाने में स्वर्गदूतों की पहुनाई की है। अर्थात स्वर्गदूत मनुष्य के रूप में भी आते हैं। चुने हुए स्वर्गदूत और गिराए हुए स्वर्गदूत दोनों परमेश्वर के अधीन है, और दोनों स्वर्गदूतों के व्यवस्थित संगठन हैं और अलग अलग पद हैं, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड रैंक्स।
बाइबल में सभी पदों के विषय में तो नहीं लिखा है, लेकिन बाइबल सिखाती है कि कुछ प्रधान स्वर्गदूत होते हैं। जैसे दानियेल 10:13 में एक स्वर्गदूत ने दानियेल से कहा, फारस के राज्य का शासक 21 दिन तक मेरा सामना किए रहा, परंतु मिकाएल जो मुख्य प्रधानों में से है वह मेरे सहायता के लिए आया, इसलिए मैं फारस के राजाओं के पास रहा। तो मिकाएल एक प्रधान स्वर्गदूत है, अंग्रेजी में आर्क एंजल माइकल। इस आयत के आधार पर यह भी कहा जा सकता है कि प्रधान स्वर्गदूत राष्ट्रों की राजनैतिक गतिविधियों में भी शामिल होते हैं। इसके अलावा वे मसीहियों के आत्मिक संघर्ष में उनकी मदद करते हैं। एक मसीही जो परमेश्वर के वचन बाइबल के आधार पर चल रहा होता है वो शैतान और दुष्ट आत्माओं के निशाने पर होता है। याद रखिए, जो भी मसीह में नहीं है अर्थात अविश्वासी, वे तो पहले से ही शैतान के बहकावे में चल रहे हैं और विनाश की तरफ बढ़ रहे हैं, इसलिए शैतान उनकी तरफ से बेफिक्र होते हैं। लेकिन जो मसीह में बढ़ रहे होते हैं उनसे शैतान को खतरा होता है, क्योंकि वे अपने जीवन से और सुसमाचार के जरिए लोगों के उद्धार का मार्ग तैयार कर रहे होते हैं जो शैतान को बिल्कुल पसंद नहीं है। इसलिए शैतान अपने दुष्ट आत्माओं के साथ मिलकर ऐसे मसीहियों को निराश करके उन्हें यीशु के मार्ग से भटकाने की कोशिश करते रहते हैं हर रोज। शैतान उन्हें शारीरिक सताव भी देता है और आत्मिक सताव भी। शारीरिक सताव मतलब कभी मसीही को कोई बीमारी दे दी, कभी हालातों को नियंत्रित करके मसीही का एक्सीडेंट करवा दिया, कभी उसकी नौकरी छिनवा दी, कभी लोगों को और अधिकारियों को भड़काकर उसे सुसमाचार सुनाने के लिए जेल में बंद करवा दिया झूठे इल्जाम लगाकर, कभी मसीही के पैसों का नुकसान करवा दिया, चोरी करवा दी पैसों की, कभी उसके घर में चोरी करवा दी, कभी दोस्तों रिश्तेदारों द्वारा उसका बहिष्कार करवा दिया इत्यादि। इस तरीके से शैतान विश्वासियों को निराश करने की कोशिश करता रहता है। अब ये सब कुछ परमेश्वर होने देता है, क्योंकि इन सब में भी परमेश्वर की योजना ही पूरी हो रही होती है उस मसीही की आत्मिक उन्नति के लिए। जैसे मैं अपने कई संदेशों में पहले बता चुका हूं, आत्मिक सताव मतलब शैतान अपने झूठ से मसीहियों को निराश करने की कोशिश करता है। जैसे वो कहेगा, भाई बाइबल परमेश्वर का वचन नहीं है, बस मनुष्यों की लिखी हुई किताब है जैसे दूसरे ग्रंथ होते हैं, इसलिए बाइबल की भी सारी बातें सच नहीं है, इसमें भी गलतियां हैं, और वैसे भी बाइबल पढ़ते रहने से क्या होगा, अपनी समस्याओं का समाधान तो आपको खुद ही निकालना है, और वे समाधान तो संसार की रीति से ही निकलेंगे, बाइबल से क्या होगा। ये हर हफ्ते चर्च जाने से, इंटरनेट पर वचन सुनने से, मसीहियों की मीटिंग में जाने से क्या होगा, तुम्हारे हालात तो वैसे के वैसे ही हैं, ऐसे वो झूठ बोलता है। यीशु कभी नहीं आएगा तुम्हें स्वर्ग ले जाने के लिए, ऐसा बोलता है वो, उसे आना होता तो अब तक आ नहीं जाता। ऐसे कई झूठ बोलकर वो एक मसीही को भटकाने की कोशिश करता रहता है, लेकिन परमेश्वर के स्वर्गदूत उस मसीही को प्रोत्साहित करते रहते हैं बाइबल पढ़ने को, चर्च जाने को, मसीहियों की संगति करने को। जब भी कोई मसीह निराश होता है तो परमेश्वर के स्वर्गदूत किसी पैस्टर से उसे फोन करवा देते हैं, या उसे टीवी या इंटरनेट पर बाइबल संबंधी कोई संदेश सुनवा देते हैं, या कोई फिल्म दिखा देते हैं, या किसी दूसरे मसीही को उसके घर भेज देते हैं उसे प्रोत्साहित करने को इत्यादि। जो मसीही विश्वास करते हैं कि वो रोज एक आत्मिक संघर्ष में जी रहे हैं, वे परमेश्वर के स्वर्गदूतों की सलाह मानना सीख जाते हैं और शैतान और उसके दुष्ट आत्माओं को मना करना सीख जाते हैं। लेकिन यह सच है कि दोनों तरफ के स्वर्गदूत मनुष्य के आत्मिक संघर्ष में पूरी तरह शामिल होते हैं, लेकिन दोनों पूरी तरह परमेश्वर के अधीन भी होते हैं और उसकी अनुमति के बिना कुछ भी नहीं कर सकते। इसी आत्मिक संघर्ष के विषय में पौलुस ने इफिसियों के 6:10-17 में समझाया, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, क्योंकि हमारा यह मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं, मतलब मनुष्यों से नहीं है हमारा मल्ल युद्ध, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। उसकी वजह से चल रहा है ये आत्मिक संघर्ष। लोग हमारे दुश्मन नहीं है, शैतान हमारा दुश्मन है। कुछ स्वर्गदूत विशेष श्रेणी के होते हैं, जैसे करूब और सराप। करूब 4 पंखों वाले स्वर्गदूत होते हैं जिनके 4 मुख होते हैं। सामने वाला मुख मनुष्य की भांति, दाहिनी और सिंह की भांति
बाईं ओर बैल के भांति और पीछे की ओर उकाब पक्षी की भांति। पुराने नियम में करूब अदन के वाटिका में जीवन के वृक्ष की चौकसी करते थे। आगे जाकर वे मिलाप वाले तंबू अर्थात टैबरनेकल और वाचा के संदूक की रक्षा करते थे, और नए नियम में परमेश्वर के सिंहासन की चौकसी करते हैं, जैसा प्रकाशित वाक्य में लिखा हुआ है। सराप 6 पंखों वाले स्वर्गदूत होते हैं, जिनका काम परमेश्वर के सिंहासन के चारों ओर की पवित्रता और आराधना से संबंधित है। स्वर्गदूतों के आत्मिक शरीर और उनकी शक्तियों को पूरी तरह समझ पाना मनुष्य के लिए मुश्किल है, लेकिन प्रकाशित वाक्य 12:7-9 के आधार पर परमेश्वर के स्वर्गदूत और शैतान के स्वर्गदूत आपस में लड़ते भी हैं। यह किस प्रकार की लड़ाई है जो दो आत्मिक जीवों के बीच होती है, इसके विषय में बाइबल ज्यादा कुछ नहीं कहती। इन आयतों में मिकाईल और उसके स्वर्गदूत शैतान और उसकी दुष्ट आत्माओं से लड़कर उन्हें हरा देते हैं। 8वीं आयत कहती है कि शैतान और उसके दुष्ट आत्माओं के लिए स्वर्ग में फिर जगह न रही। ये घटना भविष्य की है जो भारी क्लेश के 7 सालों के मध्य में होगी। बाइबल में कुछ स्वर्गदूतों के नाम भी दिए हुए हैं, जिससे पता चलता है कि परमेश्वर ने स्वर्गदूतों के नाम भी रखे हैं। जैसे लूका 1:26 में परमेश्वर ने जिब्राइल स्वर्गदूत को भेजा मरियम को संदेश देने के लिए। दूसरा है मिकाईल, जिसके विषय में हमने दानियल 10:13 और प्रकाशित वाक्य 12:7 में पढ़ा। इसके अलावा दुष्ट स्वर्गदूतों में एक है शैतान, जिसको अंग्रेजी में सेटन कहते हैं, और प्रकाशित वाक्य 9:11 में एक और दुष्ट स्वर्गदूत का नाम लिखा है, अथाह कुंड का दूत, उन पर राजा था, उसका नाम इब्रानी में अब्दोन और यूनानी में अपुल्लियोन है। तो अपुल्लियोन भी एक नाम है गिराए हुए स्वर्गदूतों में से। तो परमेश्वर ने स्वर्गदूत क्यों बनाए, यह एक अहम सवाल है, अपनी सेवकाई के लिए और मनुष्यों को अपना संदेश पहुंचाने के लिए। स्वर्गदूत परमेश्वर की आराधना करते हैं, परमेश्वर की स्तुति करते हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं को अंजाम देते हैं, परमेश्वर की दंड आज्ञाओं को पूरा करते हैं जो अविश्वासियों के लिए होती है। परमेश्वर द्वारा दिए गए प्रकाशनों को अर्थात रेवलेशंस को मनुष्यों के सामने प्रकट करते हैं, मनुष्यों की भलाई के लिए उनके जीवन में हस्तक्षेप भी करते हैं, इंटरवीन इन ह्यूमन लाइफ, जैसे लूत के परिवार के साथ किया। इसके अलावा जब प्रभु यीशु इस जगत में थे तो स्वर्गदूतों ने उनके जीवन से संबंधित कई कार्यों को अंजाम दिया, जैसे उनकी जन्म की घोषणा की, शैतान द्वारा प्रलोभित किए जाने के बाद यीशु की सेवा टहल की, गतसमनी के बगीचे में यीशु को सामर्थ्य दिया क्रॉस पर जाने के लिए, यीशु की कब्र में से पत्थर को लुढ़काया, इतना भारी पत्थर, यीशु के पुनरुत्थान की घोषणा की, यीशु के स्वर्गारोहण के गवाह बने। तो देखा आपने, स्वर्गदूत किस कदर यीशु के जीवन से जुड़े हुए थे। वे आने वाले समय में भी यीशु की हर गतिविधि से जुड़े रहेंगे। यीशु के दूसरे आगमन से पहले स्वर्गदूत रैप्चर का सिग्नल देंगे, जिसमें मसीहों को उठा लिया जाएगा। यीशु के दूसरे आगमन में स्वर्गदूत यीशु के साथ वापिस पृथ्वी पर आएंगे और विश्वासियों को अविश्वासियों से अलग कर देंगे, भेड़ों और बकरियों को। आरंभिक कलीसिया को स्थापित करने और उसे दिशा दिखाने में स्वर्गदूतों का बहुत बड़ा योगदान था। एक स्वर्गदूत ने पत्रस को जेल से छुड़ाया, फिलिप्पोस को दिशा बताई और कूश देश के खोजा से मिलवाया उसे सुसमाचार सुनाने के लिए। जब आप मसीह में आ गए तो आप परमेश्वर के संतान बन गए। आपको क्या लगता है, परमेश्वर अपने संतानों को लेकर हर घड़ी सोचता ना होगा? वह अवश्य सोचता है, इसीलिए तो उसने लाखों स्वर्गदूतों को विश्वासियों के इर्द गिर्द छोड़ रखा है, ताकि वे विश्वासियों को सामर्थ्य दे, उनकी सुरक्षा करे। अगर आपने कभी ध्यान से अपने जीवन को देखा हो तो कई बार आप बड़े से बड़े मुसीबत से बड़े एक्सीडेंट से ऐसे ही बचकर निकल आए होंगे। मेरे साथ भी बहुत बार हुआ है। उन सबके पीछे कई बार स्वर्गदूतों का हाथ होता है, जो आपको पता नहीं चलता, लेकिन वे परमेश्वर ने भेजे होते हैं आपकी सुरक्षा के लिए। इब्रानियों का 1:14 कहता है, क्या वे सब स्वर्गदूत सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं, जो उद्धार पाने वालों के लिए सेवा करने को भेजी जाती हैं? इसी तरह स्वर्गदूत मसीहियों की प्रार्थनाओं का उत्तर भी लाती है, जैसे कलीसिया की प्रार्थना के उत्तर में पत्रस को जेल से छुड़ा दिया था। स्वर्गदूत मनुष्य के मन फिराने पर और उद्धार पाने पर बहुत आनंदित होते हैं। इससे पता चलता है कि वे मनुष्यों से और परमेश्वर से कितना प्रेम करते हैं।
बाइबल सिखाती है कि आप परमेश्वर का जो भी कार्य कर रहे होते हैं, स्वर्गदूत उसकी निगरानी करते हैं। जब किसी मसीह की मृत्यु होती है तो स्वर्गदूत ही उसके प्राणों को स्वर्ग ले जाते हैं। तो आपने देखा स्वर्गदूत कितने बिजी होते हैं परमेश्वर की सेवकाई में। क्या आप और मैं भी इतने बिजी हैं परमेश्वर की सेवकाई में? यह हमें स्वर्गदूतों से सीखना चाहिए। तो यहां एक सवाल उठता है कि क्या परमेश्वर का कार्य बिना स्वर्गदूतों के नहीं चल सकता था? बिल्कुल चल सकता था, लेकिन यह उसकी इच्छा थी कि वह स्वर्गदूतों का इस्तेमाल करे। ठीक वैसे ही जैसे यह उसकी इच्छा है कि वो पापी मनुष्यों का उद्धार करे और उनका इस्तेमाल करे अपने राज्य को आगे बढ़ाने के लिए, यह उसकी इच्छा है। तो हम स्वर्गदूतों के आभारी हैं कि वे हमारा इतना ख्याल रखते हैं, लेकिन हमें स्वर्गदूतों की आराधना नहीं करनी चाहिए और ना ही उनसे कोई प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि वे भी हमारी तरह परमेश्वर के दास हैं, जैसा प्रकाशित वाक्य 22:9 में लिखा है। कभी कभी लोग अपने गार्डियन एंजल से अर्थात चौकसी करने वाले स्वर्गदूत से प्रार्थना करते हैं सुरक्षा के लिए, जो गलत है। हमें सिर्फ परमेश्वर से ही प्रार्थना करनी चाहिए। अब गार्डियन एंजल को लेकर थोड़ी बहुत उलझन रहती है। मत्ती 18:10 के आधार पर हर मनुष्य को ऐसा लगता है पढ़ने में कि हर मनुष्य को एक गार्डियन एंजल दिया जाता है उसकी सुरक्षा के लिए। ऐसा कई चर्चों में चलता रहता है डिस्कशन इसके ऊपर। क्या अविश्वासियों को भी दिया जाता है? यह भी एक सवाल है कि एक मनुष्य को एक स्वर्गदूत गार्डियन एंजल के रूप में, मसीहियों को भी और अविश्वासियों को भी। तो उसका उत्तर है कि बाइबल कहीं भी यह संकेत नहीं देती कि हर मनुष्य को या कम से कम हर मसीही को एक गार्डियन एंजल मिलता है। मत्ती 18:10 कहता है, देखो तुम इन छोटों में से किसी को तुच्छ ना जानो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि स्वर्ग में उनके दूत मेरे स्वर्गीय पिता का मुंह सदा देखते हैं। तो यहां ऊपर की चौथी और छठीवीं आयत के आधार पर छोटों का मतलब है वे मसीही जिन्होंने बच्चों जैसे मन से परमेश्वर को स्वीकार किया। आगे जो लिखा है उनके दूत, वो बहुवचन है जिसका मतलब है मसीहियों की रक्षा करने वाले स्वर्गदूत। तो यहां एक मसीही को एक विशेष स्वर्गदूत मिलेगा ऐसा कोई संकेत नहीं है। सिर्फ इतना ही बताती है यह आयत कि मसीहियों को स्वर्गदूत दिए जाते हैं उनकी रक्षा करने के लिए, जो बहुवचन में है। सुरक्षा तो हमें परमेश्वर से आती है, क्योंकि केवल वही सर्वव्यापी है, ओनली ही इज ओमनीप्रेजेंट, जो हर मसीह को हर समय देख सकता है कि किसके साथ क्या मुसीबत चल रही है, तो वो एकदम से भेजता है। इसीलिए उसी की आज्ञा पर स्वर्गदूत हर मसीही की सेवा टहल भी करते हैं। रही बात अविश्वासियों की, तो मैं समझता हूं जहां परमेश्वर उन्हें दंडित करने के लिए स्वर्गदूतों का इस्तेमाल करता है, वहीं उनकी सुरक्षा के लिए भी अवश्य करता होगा अपनी योजना में। क्योंकि एक समय में हम भी तो अविश्वासी थे और हमें भी परमेश्वर ने कई बार मुसीबतों से, एक्सीडेंट से बचाया है, तभी तो हम विश्वास में आने तक जीवित रह पाए, वरना पहले ही नहीं मर जाते। और बच्चों को भी, चाहे वो विश्वासियों के हो चाहे अविश्वासियों के हो, स्वर्गदूत बचाते हैं। अब सुरक्षा का मतलब ये नहीं है कि हमारा कभी कुछ नहीं बिगड़ेगा। परमेश्वर की योजना में हमारे ऊपर विपत्ति भी आ सकती है जब परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को हमारे पास से हटा लेता है और शैतान को काम करने देता है। अब उसके कई कारण हो सकते हैं, पर मुख्य कारण तो हमारा प्रशिक्षण, ट्रेनिंग और हमारी आत्मिक उन्नति ही होती है ताकि हम परमेश्वर के और निकट पहुंच सकें, जैसा अय्यूब की किताब में लिखा है। लेकिन स्वर्गदूत हमारे चारों तरफ होते हैं, जो हमारे रोजमर्रा के जीवन को एक नियमित रूप से चलते रहने में सहायक होते हैं। हमें इसका एहसास नहीं होता क्योंकि वे दिखाई नहीं देते, लेकिन अगर कोई अपनी आत्मिक आंखें खोलकर देखे तो उसे अपने आसपास हर जगह परमेश्वर के स्वर्गदूत दिखाई देंगे। जैसे एलिशा के सेवक को परमेश्वर ने दिखाया था 2 राजा 6:11-18 में। तो आज से गिनना शुरू कर दीजिए कि आपकी मदद के लिए परमेश्वर ने कितने स्वर्गदूत छोड़ रखे हैं। बहुत सामर्थ्य मिलेगा आपको। एक बार जब मैं बॉम्बे में रहता था अपने छोटे से फ्लैट में, तो मेरा जो बच्चा था वो 10 महीने का था, अभी अभी उसने खड़ा होना ही सीखा ही था। तो मैंने उसको अपने ड्राइंग रूम के सोफा सेट पे खड़ा किया, एकदम हमारे बालकनी के कोने में। तो बालकनी में एक ऐसे छोटा सा ग्रिल होता है, तो वो बच्चा उसको पकड़ के खड़ा था, और उसके करीब 4.5-5 फीट नीचे गमले लगाने के लिए एक छोटी बालकनी थी, तो जो पूरी सीमेंट की थी, उसका जो फर्श था बहुत सख्त था। तो मैं सिर्फ 1 मिनट के लिए अपना फ़ोन चार्ज पे लगाने के लिए गया उस बच्चे को छोड़ के,
और मैंने एक आवाज़ सुनी धप करके, तो मेरा जो हृदय एकदम धड़का, तो मैंने देखा बच्चा नहीं है, तो मैं समझ गया कि वो नीचे गिरा, तो मैं भाग के नीचे कूदा उस बालकनी में और देखा तो बच्चा एकदम सही सलामत था। तो वो रो रहा था, लेकिन मैंने उसको उठा के देखा, ना उसके सिर में कोई चोट लगी, ना उसके रीढ़ की हड्डी में कोई चोट लगी, ना उसके पैर के घुटनों में कोई दर्द हुआ। उसके बाद वो आराम से चलता फिरता भी रहा, एकदम भला चंगा। मुझे विश्वास है कि उसको स्वर्गदूत ने बचाया। चर्च में जब सर्विस होती है तो वहां स्वर्गदूत मौजूद होते हैं, क्योंकि वे भविष्यद्वक्ताओं के समय से ही बड़े उत्सुक रहते थे ये जानने के लिए कि जब परमेश्वर का पुत्र पृथ्वी पर आएगा तो वो क्या सिखाएगा, क्या बोलेगा वो। इसीलिए आज भी जब चर्चों में किसी प्रचारक के अंदर से यीशु का आत्मा बोलता है तो वे उतने ही उत्सुक रहते हैं सुनने को कि आज मसीह क्या सिखा रहा है। आज चर्च में जब दो मसीहियों की शादी होती है तो कभी कभी कोई कह देता है 2 angels are getting married, दो एंजल्स शादी कर रहे हैं, लेकिन ये सच नहीं है। दो एंजल्स की नहीं बल्कि दो पापियों की शादी हो रही होती है, जो शायद अभी पता नहीं चल रहा है लेकिन शादी के 6 महीने बाद बिल्कुल साफ पता चल जाएगा। परमेश्वर के स्वर्गदूतों में पाप का स्वभाव नहीं होता, लेकिन मनुष्यों में होता है। ये फर्क है स्वर्गदूतों में और मनुष्यों में। क्या आज स्वर्गदूत किसी को दिखाई देते हैं? देखिए, पुराने नियम में और बाद में नए नियम में स्वर्गदूत मनुष्यों के सामने क्यों प्रकट होते थे? परमेश्वर का कोई विशेष संदेश देने के लिए। लेकिन कलीसिया की स्थापना के बाद और बाइबल के पूरे हो जाने के बाद अब इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। एक बार एक प्रचारक थे जो किसी को सुसमाचार सुना रहे थे, तो उस व्यक्ति ने बोला कि भाई मैं तुमसे नहीं सुनूंगा, अगर कोई स्वर्गदूत खुद आता है और मुझे सुसमाचार सुनाता है तो मैं विश्वास कर लूंगा। तो उस प्रचारक ने बोला, भाई तुम्हारे सामने स्वर्गदूत ही खड़ा है, फर्क सिर्फ इतना है कि स्वर्गदूत अब शर्ट और पैंट पहनते हैं। लेकिन जिस प्रकार आज भी विश्व के उन देशों में जहां चर्च या बाइबल या मसीहियों की गतिविधियों पर कड़ी पाबंदियां हैं, जैसे इस्लामिक देश, वहां स्वयं यीशु आज भी लोगों को दर्शन देता है, ठीक उसी प्रकार परमेश्वर अपनी योजना में किसी स्वर्गदूत को भी भेज सकता है जहां पर ढूंढने वाले के पास परमेश्वर का वचन ना पहुंच पा रहा हो। प्रकाशित वाक्य 14:6-9 बताता है कि रैप्चर के बाद भारी क्लेश के समय जब कोई मसीही नहीं बचेगा पृथ्वी पर, तब परमेश्वर 3 स्वर्गदूतों के द्वारा पृथ्वी के लोगों को सुसमाचार सुनाएगा, अविश्वासियों को एक आखिरी मौका देने के लिए यीशु के दूसरे आगमन से पहले। आज YouTube पर बहुत से वीडियो बनाए जा रहे हैं स्वर्गदूतों को लेकर। उनका शीर्षक होता है, अगर कैमरा में कैद ना होता तो किसी को पता नहीं चलता, कोई विश्वास नहीं करता। ये सब नकली वीडियो हैं जिनमें एडिटिंग सॉफ्टवेयर द्वारा नकली स्वर्गदूत डाले जाते हैं। मैं मीडिया से हूं इसलिए कह सकता हूं, बाइबल में स्वर्गदूत केवल उनको ही दिखाई देते थे जिनके पास परमेश्वर ने उन्हें भेजा होता था कोई खास संदेश देने के लिए। ऐसे ही इधर उधर उड़ते हुए वे किसी को दिखाई नहीं देते थे, लेकिन फिर भी लाखों लोग उन वीडियोस को देखते हैं क्योंकि वे बाइबल ठीक से नहीं पढ़ते और चमत्कारों के पीछे भागते रहते हैं। आज YouTube वीडियो पर दिखाया जा रहा है कि कुछ चर्चों में स्वर्गदूत आते हैं। मैं मानता हूं कि स्वर्गदूत होते हैं चर्चों में, लेकिन वो दिखाई नहीं देते। लेकिन अगर आप ध्यान से उन वीडियो को देखें तो पता चल जाता है कि वे सब एडिटिंग सॉफ्टवेयर से बनाए गए नकली स्वर्गदूत हैं, क्योंकि जितने भी लोग होते हैं उस चर्च में वे सब कहीं और देख रहे होते हैं और स्वर्गदूत कहीं और खड़े होते हैं। आप किसी भी क्वालिफाइड कैमरामैन से अगर पूछेंगे तो वो बता देगा कि परमेश्वर की बनाई हुई आंख ही सबसे बढ़िया कैमरा है, उसके लेंस जो हैं वो सबसे बढ़िया होते हैं, परफेक्ट लेंसेस। जो चीज आंख नहीं देख सकती वो मनुष्य का बनाया हुआ कैमरा कैसे देख सकता है, ये सोचने की बात है। ऐसे वीडियो देखकर अपना समय बर्बाद मत कीजिए, बाइबल पढ़िए और सच जानिए स्वर्गदूतों के बारे में। सबसे बड़ा सबूत इस बात का कि स्वर्गदूत होते हैं वो ये है कि गिराए गए स्वर्गदूत अर्थात दुष्ट आत्माएं यीशु को पहचान जाती थी। लूका 8:28 में दुष्ट आत्माएं यीशु को देखकर कहती हैं, वह यीशु को देखकर चिल्लाया और उसके सामने गिरकर ऊंचे शब्द से कहा, हे परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र यीशु, मुझे तुझसे क्या काम, मैं तेरी विनती करता हूं मुझे पीड़ा ना दे। तो वो पहचान जाता है कि यह परम प्रधान परमेश्वर का पुत्र है। आज भी जब प्रभु का कोई दास किसी के शरीर से दुष्ट आत्मा निकालता है
तो वो दुष्ट आत्मा उस दास के अंदर बस रहे यीशु को पहचान लेती है और उस पीड़ित व्यक्ति के शरीर से निकल जाती है। तो जब दुष्ट स्वर्गदूत हैं तो अच्छे स्वर्गदूत भी हैं, क्योंकि बाइबल दोनों के विषय में सिखाती है। एक बार किसी देश में एक आदमी रहता था। हर रोज जब वो दफ्तर जाने के लिए अपने घर से निकलता था तो वो अपने सभी प्रियजनों के नाम लेता था, अपनी पत्नी, अपने बच्चे, सारे दोस्त, रिश्तेदार, पड़ोसी इत्यादि, और परमेश्वर से प्रार्थना करता था कि वो उन सबकी सुरक्षा के लिए अपने स्वर्गदूत भेज दे। लेकिन एक दिन किसी कारणवश वो प्रार्थना करना भूल जाता है। जब वो अपने दफ्तर पहुंचता है तो देखता है कि उसके कमरे में बहुत सारे स्वर्गदूत बैठे हुए हैं। एक स्वर्गदूत उससे कहता है, हम आपकी प्रार्थना का इंतजार कर रहे हैं कि आज आप हमें किसके पास भेजना चाहते हैं। मैं भी रोज अपने प्रियजनों की सलामती के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वो अपने स्वर्गदूत भेजें। आप भी कर सकते हैं, क्योंकि स्वर्गदूत सच में हैं। आमीन।